हेलो एंड वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनका डेफिनेटली बर्डन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक रिसेंट स्टडी आई आईसीएमआर की तरफ से उसके अंदर डायबिटीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न करने वाले डेटा सामने आए हैं। डायबिटीज़ को लेके जो एक एनालिसिस है कि इसका जो प्रीवेलेंस है किस तरीके से विलेजेस के अंदर भी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि प्री डायबिटिक जो केसेस हैं विलेजेस में भी रूरल इंडिया में भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि आईसीएमआर का ही एक डेटा हमें बता रहा है कि युवाओं के अंदर यूथ जो हैं स्पेशली 25 ईयर्स या उससे कम वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी ये जो डायबिटीज़ है इसका प्रिवेलेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी कंसर्निंग ट्रेंड है, इनको थोड़ा एनालिसिस करेंगे और ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ तक हमारा जो हेल्थ पर्सपेक्टिव है, जो जीएस के सब्जेक्ट है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी जो डिजीज़ होती है दो डिवाइड हम उसको करते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं जैसे टीबी है, जहाँ पे कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वो बीमारी किसी भी दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकती है संक्रमित व्यक्ति के इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से, जैसे टीबी हो गया या फिर हम जो भी फ्लू जैसी डिजीज़ होती हैं, कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आएगा, एचआईवी एड्स हो गया। इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अगर जो पेशेंट है उस डिजीज़ का उसके अगर आप संपर्क में आ रहे हैं तो आपको वो डिजीज़ नहीं होगी, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे कैंसर है, कार्डियक डिजीजेस हो गई, डायबिटीज़ भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे इतना फोकस क्यों है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ के द्वारा होने वाली जो डेथ हैं या फिर जो पेशेंट है वो ज़्यादा हुआ करते थे। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा देखें तो आप पाएंगे कि पहले 1990 के अंदर जो डिजीज़ बर्डन था कि पेशेंट कितने आ रहे हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पेशेंट 30% थे 1990 के अंदर। आज अगर हम देखते हैं 2016 का ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ये कह रहा है कि 55% जो डिजीज़ बर्डन है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का है। अगर दूसरी तरफ हम जाएं कि नंबर ऑफ डेथ कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से होने वाली जो डेथ है 61% जो है टोटल डेथ्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जबकि कम्युनिकेबल डिजीज़ से होने वाली डेथ जो है वो केवल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ही होने वाली जो डेथ है 90s के समय पे केवल 37% हुआ करती थी, 1/3 हुआ करती थी, आज 2/3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ही उसी के एक प्रकार को अगर हम देखें तो डायबिटीज़ भी इसी कैटेगरी में आता है। देखिए डायबिटीज़ में होता क्या है, जनरली देखो हम जो फूड इंजेस्ट करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, ब्लड में वो जाएगा ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में ब्लड के अंदर इस तरीके से वो जाता है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कुछ मात्रा ज़रूरी होती है और हमारी जो सेल्स होती हैं हमारी सेल्स को एनर्जी मिलना ज़रूरी है, तो ये ग्लूकोज हमारी सेल्स को एनर्जी देता है। ग्लूकॉन डी और ये सब आपने एड्स देखे होंगे जिसमें एनर्जी की बात होती है, तो ग्लूकोज जो है एक प्रकार का शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारी सेल्स को एनर्जी दे रहा है। हमारी सेल पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो इस ग्लूकोज को लिए जो है इसको अंदर लेने के लिए लगे होते हैं। अब होगा क्या, ये रिसेप्टर जनरली बंद रहेगा, इसको ओपन करने के लिए आपको चाहिए इंसुलिन, इंसुलिन चाहिए, और इंसुलिन क्या करेगा, जब यहाँ पे सेल से अटैच होगा तो ये रिसेप्टर ओपन हो जाएगा और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, सेल को एनर्जी देगा, सेल स्टोर कर सकती है और इसी से हमारा जो है सेल को एनर्जी मिलेगी, तभी हम जीवित रह सकते हैं। अब होगा क्या, डायबिटीज़ वाला जो केस है इसके अंदर दो केस बन सकते हैं मेजर, कि आपकी जो बॉडी है या तो इंसुलिन बना ही नहीं रही है, क्योंकि इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज के अंदर इस तरह से जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है और ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंचाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। जब बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में है, तो फिर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और वो डायबिटीज़ होगी, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डायबिटीज़ लोगों में है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, बॉडी इंसुलिन बना तो रही है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, तो इस केस में क्या है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, सेल्स को वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर ही है जबकि वो सेल्स के अंदर जाना चाहिए, तो इस केस में या तो ऊपर से इंसुलिन दिया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी ताकि बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके अंदर बॉडी इज़ नॉट एबल टू यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली। इस केस को हम देखते हैं डायबिटीज़ वाले को, जो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंट है, सबसे ज़्यादा इसी डायबिटीज़ के केसेस मिलते हैं। एक ट्रांजिशनल सेंस में होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार इस तरह के इशू होते हैं, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये हुई डायबिटीज़ की बात, और इसी डायबिटीज़ को लेके हमारे पास आईसीएमआर की एक डिटेल्ड स्टडी है जिसके अंदर पूरा ये एनालिसिस इन्होंने किया है कि अर्बन एरिया में कहाँ पे है, रूरल एरिया में कैसे हैं, कैसे रूरल एरिया में केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं,
ये सारी चीज़ें इस स्टडी में दी गई हैं, इसी स्टडी को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और ये नीचे दिया गया टेलीग्राम ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको सेशन का PDF प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जो स्टडी की गई ICMR और यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके सहयोग से इस स्टडी को कंप्लीट किया गया है। तो ICMR की जो स्टडी है इंडिया डायबिटीज़ के नाम से है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये स्टडी है। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि इसके अंदर 1 लाख से भी ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सैंपल इन्होंने लिया है, वहाँ पे स्टडी की है, हर तरीके से, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी, रूरल अर्बन एरिया, सब लोगों को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। अगर आप देखेंगे कि चाइना के अंदर भी इस लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे डायबिटीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर स्टडी नहीं है, लगभग वहाँ पर भी 40-50 हज़ार लोगों के पार्टिसिपेंट्स होने का हमारे पास ये है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ICMR की इंडिया डायबिटीज़ स्टडी इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं? देखिए, फाइंडिंग्स सुन के आप चौंक जाएंगे। इंडिया की जो लगभग 11% पॉपुलेशन है, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आज डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। एट प्रेजेंट दे आर लिविंग विथ डायबिटीज़, 10 करोड़ पीपल, दिस इज़ ह्यूज। इसके अलावा इससे भी कंसर्न करने वाली बात यह है कि 136 मिलियन पीपल, मतलब 13 से 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, जिनका जो हालांकि वो डायबिटीज़ वाली श्रेणी में उनका ग्लूकोज लेवल नहीं आया है। जनरली हम मानते हैं 100 से ये कम है, ठीक है, 100 से कम होना चाहिए, 100 से 130 की रेंज में, 125 की रेंज में है, तो ये प्री डायबिटिक है, फिर इससे ऊपर चला गया तो डायबिटीज़ है। तो प्री डायबिटिक वाले फेज़ में भी 13 से 14 करोड़ लोग हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज मान के चलें 50% लोग आगे जाके डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी डाइट है, लाइफ स्टाइल है, अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर उनको डायबिटीज़ होगा। तो ये नंबर, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सरकार यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने का प्रयास भी कर रही है। प्रीवेलेंस को अगर हम देखें तो अर्बन एरिया के अंदर इसका प्रीवेलेंस ज़्यादा है। वर्तमान में आप देखोगे 16% जो केसेस हैं, 16% इन द अर्बन एरिया कंपेयर टू 8.9% रूरल एरिया। जो डायबिटीज़ का प्रीवेलेंस है वो अर्बन एरिया में 16% लोग ग्रसित हैं इससे, और लगभग 9% रूरल इंडिया में। तो अभी तो अर्बन एरिया का बर्डन ज़्यादा है, लेकिन रूरल एरिया में बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि यही ICMR की स्टडी कहती है कि जब हम प्री डायबिटिक के लिए जाते हैं तो ये डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। वर्तमान में ये डिफरेंस तो दिख रहा है, लेकिन प्री डायबिटिक के लिए अगर हम जा रहे हैं तो दोनों के अंदर केसेस समान आ रहे हैं, रूरल में, गांव में, और अर्बन एरिया, शहरों में, दोनों में ये केसेस समान आ रहे हैं। मतलब प्री डायबिटिक आने वाले जो केसेस हैं डायबिटीज़ के, वो रूरल एरिया में भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, इस तरफ ये स्टडी इशारा कर रही है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रीवेलेंस डायबिटीज़ का ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली पंजाब को छोड़ के कंपैरेटिवली डायबिटीज़ का जो प्रीवेलेंस है, केसेस हैं, वो कम है। सबसे कम उत्तर प्रदेश में है, 4.5% के आसपास जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, वो डायबिटीज़ से ग्रसित है। इसके अलावा एक और स्टडी ICMR की ही है, और इस स्टडी को हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल ने मेंशन किया। ये कह रहे हैं कि 1 in every 4 ऑफ इंडियाज यूथ सफ़र फ्रॉम डेडलियर टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम कह रहे हैं अडल्ट ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़, मतलब ये जो जनरली यंग पॉपुलेशन है हमारी, 25 से कम के जो लोग हैं, 25 वर्ष से कम, उनको ये इस तरह की डायबिटीज़ हो रही है, जबकि उनकी डायबिटीज़ की कोई इस तरह की फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ये डायबिटीज़ जो है ओल्ड एज के अंदर जनरली होगी, लेकिन इस तरह की डायबिटीज़ यंग लोगों में भी हो रही है। 25 साल से कम के जो यूथ हैं हमारे, उनके अंदर आप देखोगे 25% यूथ जो हैं वो इस तरह की डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे इम्पैक्ट होने वाली है। आगे अगर इसी स्टडी की बात करें, इंडिया डायबिटीज़ नाम से ये स्टडी है, डायबिटीज़ के अलावा और बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें उससे रिलेटेड एस्पेक्ट हमें बताती है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी का प्रीवेलेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, ये कह रहा है कि हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का प्रीवेलेंस बहुत ज़्यादा है। लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको हाई बीपी की समस्या है वर्तमान में। 35%, ऑलमोस्ट 1/3 इंडिया की पॉपुलेशन हाई बीपी से ग्रसित है। 24% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्डियक इशू, हार्ट रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर सही नहीं है तो आपकी ओबेसिटी मानी जाती है, मतलब ओवरवेट आपको माना जाता है, या फिर उससे भी ज़्यादा वेट है। तो ये केसेस भी 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। एब्डोमिनल ओबेसिटी का भी प्रीवेलेंस बहुत ज़्यादा है, और ये जो ओबेसिटी या वेट गेन हम कर रहे हैं इसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे कार्डियक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, इसकी रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और फिर स्टेट वाइज भी इन्होंने बता रखा है कि जो सबसे ज़्यादा हाई बीपी के केसेस है पंजाब में हमें देखने को मिल रहे हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के जो केस हैं, कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा पाया जा रहा है अर्बन एरिया में, ज़्यादा पाया जा रहा है।
इसी तरफ अगर हम ध्यान दें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, भारत सरकार काफ़ी प्रयास भी कर रही है, WHO भी यहाँ पे अपनी रिसर्च और अवेयरनेस के माध्यम से प्रयास कर रहा है। WHO की एक यहाँ पे गाइडलाइन सामने आती है जो कहती है कि नॉन शुगर स्वीटनर, क्योंकि देखो होता क्या है, डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो वो क्या करेंगे, उनके चीनी वगैरह इस तरह से ऊपर से बंद की जाती है, फीकी चाय पीजिए, मिठाइयाँ बंद करिए, तो फिर अगर आपको मीठा खाना है तो नॉन शुगर स्वीटनर्स का प्रचलन चल रहा है। नॉन शुगर स्वीटनर्स में सैकरिन काफ़ी यूज़ होता है, कोला ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इनमें एस्पार्टम भी यूज़ होता है। अब WHO का ये स्टडी है कि इनका अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो तो इससे आपका डायबिटीज़ का, कार्डियक डिजीज़ का, किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ सकता है, तो ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है और इस पर अवेयरनेस जनरेशन करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा सरकार के लिए। सरकार हालांकि प्रयास कर रही है, भारत सरकार के इनिशिएटिव की बात करें तो कोई नेशनल पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएशन का काम कर रही है। ईट राइट मूवमेंट अभी इसने चला रखा है, ओके, और थोड़ा कम करके ये एक इन्होंने चला रखा है ईट राइट मूवमेंट के अंदर ही कि आप जो है नमक को थोड़ा कम कीजिए, ठीक है, इस तरह से जो भी कैलोरी इनटेक है उसको थोड़ा वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फाइन। तो मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच यहाँ पे ज़रूरत होगी, सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती है, डेफिनेटली सरकार को सहयोग की ज़रूरत होगी, चाहे वो सिटीजन्स की बात करें उनका सहयोग हो, चाहे हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंडस्ट्री की तरफ से इस तरह के फूड्स आप बनाएं जो हेल्दी हों, जिनमें नमक शुगर जो है इस तरह से अनहेल्दी लेवल पर बहुत ज़्यादा ना हो, ये प्रयास हम कर सकते हैं। बाकी इस तरह की जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से बनाएं, क्योंकि इनको लाइफस्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में रखा है। आज हम देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है जिस, और हमारी डाइट भी जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड और इनका कंजम्पशन करने से वो भी बिगड़ रही है, तो इसकी वजह से इस तरह की डिजीज़ का रिस्क बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, थोड़ा इंडस्ट्री का सहयोग ले सकते हैं कि आप हेल्दियर फूड चॉइसेस लोगों को प्रोवाइड करें, ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन बढ़ने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में एक बार आपको फीस देने पे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें अनलिमिटेड लेक्चर्स का एक्सेस होता है, आप क्लासेस ले सकते हैं, अपना सिलेबस टाइम पे कर सकते हैं, उसी फीस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी जो सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं उसमें 50% तक डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, इन डिस्काउंट्स को क्लेम कर सकते हैं बाई यूजिंग द रेफरल कोड RBLIVE RBLIVE। नए बैचेस अभी 29 से शुरू हुए हैं, जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं 24 का प्रॉब्लम्स क्लियर करते हैं, तो मेंस तक की ऑफलाइन मेंटरशिप अनअकैडमी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। हिंदी मीडियम के 22 जून से शुरू हो चुके हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए भी जा सकते हैं, मेंस वाले बच्चों के लिए मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ऑप्शनल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।